मैं प्रिया आपके साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है, सोनिया गांधी नहीं। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं, ऐसी बातें मुझसे भी की जाती है, लेकिन मैं मंच पर ये कहूँ तो ये शोभा नहीं देता है। पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है, यह पूरी तरह गलत है। पायलट ने कहा, हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही, वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर कई महीनों तक चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, तब भी जांच नहीं हुई, समझ में आ रहा है क्यों एक्शन नहीं लिया। अब मैं ना उम्मीद हूँ, जनता ही भगवान है, जनता के सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई को अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालेंगे। 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होगी और इसमें 5 दिन का वक्त लगेगा। शाह से पैसे लेने के गहलोत के आरोप पर पायलट ने कहा, किसी पर भी आरोप लगा दो कि 1000 करोड़ खा गया, 1,00,000 करोड़ खा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पब्लिक लाइफ में किसी के पास कोई तथ्य प्रमाण है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक वो क्यों नहीं की गई। जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज में पैसा दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जज्बात और इमेज भी कोई चीज होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, उन्हें अगर हर चीज में पैसा दिखता हो तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पर अगर कोई उंगली उठा सकता है तो बता दे, हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाने से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, जुबान खुलने में किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन हम संयमित रहे, तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा। आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना मुश्किल होता है। कांग्रेस के विधायकों जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जिनके आशीर्वाद से हम मुख्यमंत्री बने, आप उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं, उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद क्या पब्लिक आपसे सवाल नहीं पूछेगी? ऐसे निराधार आरोप गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है।